ground, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a cross. I got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my... तो क्या गाइज, वेलकम बैक अनदर पबजी मोबाइल सोलो रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं डायमंड 5 पे, तुम किस पर पहुंच गए हो जल्दी से कमेंट करके बता देना। और गाइज सिर्फ मैंने 7-8 मैच खेले हैं, डायमंड 5 पे पहुंच चुका हूं और प्लेटिनम 5 पे मैं था। तो भाई 200 पॉइंट मैंने प्लस कर लिए 7-8 गेम्स में। तो भाई दो चिकन डिनर है उसमें, एक ये रहा तुम देख रहे हो जिसको। और आज होली है तो भाई सभी को हैप्पी होली, दिल से सब्सक्राइब कर दो। जो भी नया बंदा हो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सोलो कंटेंट, डुओ कंटेंट और स्क्वाड कंटेंट और पीसी गेम्स आते रहते हैं यहाँ पर। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और सभी को दिल से हैप्पी होली। क्या कर रहे हो जल्दी से कमेंट बताओ। कल भाई होली खेली जानी है तो कल बहुत मज़ा आएगा। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल गेम प्ले की बात कर लें तो यहाँ पर भाई फेलियर चलाया था एक बंदे ने। अब यहाँ पर M762 जो बंदा चला रहा था उसने, यहाँ पर जिसने फेलियर चलाया था उसको मार दिया। तो अभी बचा है वो बंदा, उसको मैं मारने वाला हूँ, देखो कैसे। तो भैया यहाँ पर हमने उनको उजी से किल कर दिया। उजी में वैसे चलाता नहीं हूँ, मेरे को गन्स मिलती नहीं। अभी मेरे को M4 अगर मिल जाती तो मैं इस उजी को फेंक देता। और यहाँ पर लूट में MK14 और ग्रोजा थी। तो भाई मैंने दोनों गने उठाई और आ जाता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मैं चुपचाप जा रहा था लॉबी, देखो लॉबी ठीक ठाक आ रही है, आपको प्लस मिल रहा है 35-40 प्लस मिल जाता है मेरे को ईजी। इस गेम में भाई 37 प्लस मेरे को मिला था विद 8 किल, तभी मेरे को सुनाई देते हैं गन साउंड। तो मैंने कहा भाई किल्स तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, एंड तक पता नहीं कितने किल मिले हैं। तो भाई किल्स से जितने भी मिले उठाते जाओ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर सामने देखो एक स्क्वाड हाउस में बंदा है और एक यहाँ पर। तो अब देखो स्क्वाड हाउस में जो बंदा है वो भाई उसके पास है वोल्ट एक्शन, और लेफ्ट में जो हाउस है वहाँ पर है एक बंदा उसके पास DPS। मैंने सोचा शायद उसको नहीं है पता कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो भाई मैंने नेड करने की कोशिश की, मैंने कहा नेड कर देते हैं शायद नेड से फूट जाए इजी किल, लेकिन वहाँ पर बंदा बच जाता है। मैंने दूसरा नेड ट्राई किया, बंदा उससे भी बच जाता है। तो मैंने कहा अब क्या मेरे को रस करना चाहिए यहाँ पर या फिर मैं होल्ड करूं। मैंने कहा भाई यहाँ पे मारो बंदों को और निकलो यहाँ से, सिंपल है। सामने स्क्वाड हाउस में मैंने स्कोप करके देखा, मैंने कहा कोई दिख जाए शायद उसको मैं मार सकूं, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो मैंने कहा पल चलो अब इस बंदे पे मेरे को रस करना पड़ेगा। मेरे पास MK थी इसीलिए मैंने ओपन से भाई रस किया उस पर, क्योंकि उसके पास M4 थी, मेरे पास MK थी, हाई डैमेज। अगर मैं 2-3 बुलेट्स कनेक्ट करता हूँ तो भाई किल कर दूंगा इजी। अब देखो स्क्वाड में जो बंदा है उसके पास ग्रोजा है और वो बेफालतू में चला रहा भाई, बेफालतू में भाई ग्रोजा पेल रहा है। मैंने कहा चलो भाई रुको अभी तुमको भी बताते हैं क्या सीन होता है तुम्हारे साथ। अब उस बंदे को एक हेड लग गया, अगर एक बॉडी और लग जाता तो वो बंदा वो किल हो जाता, दोबारा उसने पीक नहीं करा। देखो पीछे एक बंदे को उसने किल किया था, तो भाई वो बंदा उस बंदे को लूटने के लिए जाता है। अब मैंने कहा भाई तुम ओपन में हो, मैंने कहा भाई यहाँ से तुरंत निकलो और भाई उस स्क्वाड हाउस में पहुँच जाओ जबकि वो बंदा यहाँ पर ना आ पाए। उससे पहले तुमको स्क्वाड हाउस में पहुँचना है और उसको ओपन में पकड़ना है और ईजी किल कर देना है। तो भाई मैंने ये सोचा और मैं पहुँच जाता हूँ स्क्वाड हाउस में। तो भाई तुम जब ओपन में हो, सामने एक बंदा हो और तुम ओपन में निकल जाओगे, अगर उस बंदे को पता लग गया तो ऐसे ही किल करेगा वो तुमको, सिंपल है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने उसको किल किया, वहाँ से मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ पर, ये सेंटर था, सामने फ्लेयर चला था और यहाँ पे एक गाड़ी मेरे को दिखती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बंदा था और वो बंदा कहाँ गया कुछ पता नहीं लगा मेरे को। तभी मेरे को पीछे की साइड से साउंड आता है, गन साउंड। तो मैंने ट्राई किया, देखते हैं कहां पर है बंदा।
और ये बंदा किसी और से फायर ले रहा था, इसको एक एक शॉट पड़ गया, दूसरा तभी आ जाती है मेरी एम के रिलोड पर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम ओपन में हो, मैं तुमको इजी किल करूंगा। एक शॉट कनेक्ट, एक और ख़त्म, फिनिश। पीछे देखो ग्रेनेड फेंका, मतलब वहाँ पे कोई बंदा है, तो जहाँ पर ये बंदा है उसका पता नहीं लगता वो कहाँ चला जाता है। सच में उस बंदे ने मेरे पे नेट ट्राई किया, उसने सेक में नेट फेंका, उसने सोचा होगा कि मैं सेक में बैठा हूँगा, पर ऐसे नहीं भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। तभी आती है एक बग्गी दो बंदों की, ये दोनों बंदे टीम अप कर रहे थे, तो एक को तो मैंने उतार लिया और जो चला रहा था उसको हेडशॉट दे दिया ग्रोजा का। उसकी हेल्थ बची होगी मुश्किल से मुश्किल 30% भाई, 30 HP उसकी हेल्थ होगी। तभी वो बंदा रोटेट करके यहाँ पर आ जाता है। मैंने कहा भाई देखो मैं जोन में हूँ, तुम जोन के बाहर हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो मरने के लिए? फुट स्टेप्स उसके आ रहे थे तो मैंने वहाँ पर फायर दिया। मैं वापस गया, मैंने कहा ये बंदा नेट वेट करने की कोशिश ज़रूर करेगा मेरे पे। अब मेरे पास स्मोक था तो मैंने कहा क्या फ़ायदा स्मोक करने का। अब देखो जोन आ रहा है, उसको जोन में आना है, मैं पहले से ही जोन में बैठा हूँ, 5 मीटर मेरे को जोन में जाना है। तो मैंने कहा भाई तुम कैसे भी नहीं बच सकते, अब तुम यहाँ पर फाइट देखो बस। तो भाई बहुत ही दिक्कतों से इसको मार पाया, उसके पास भी MK थी इसलिए मैं कबर में गया, क्योंकि उसकी बुलेट्स मेरे को कनेक्ट हो रही थी और वो बंदा मूवमेंट कर रहा था, मैं चुपचाप खड़े होकर मार रहा था, इसलिए क्योंकि गेट के बाहर अंदर बाहर करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस सीमेंट्री के पास, ये सीमेंट्री है जो यहाँ पर आए, 3 बंदे अलाइव हैं, राइट में दोनों बंदे हैं। मेरे को लग रहा था एक राइट वाली बिल्डिंग में है और एक लेफ्ट वाली जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर है, लेकिन ये दोनों बंदे लेफ्ट सॉरी राइट वाली ही बिल्डिंग में थे। तो मैं आ गया यहां पर, मैं आगे की तरफ गया, तभी आता है मेरे फायर और मैं मरते मरते बचा। मैंने कहा भाई राइट में दोनों बंदे, दोनों के फुट स्टेप्स आ चुके थे मेरे को, तभी मैंने जो लेफ्ट में बिल्डिंग है जस्ट पीछे बड़ी बिल्डिंग, थ्री स्टोरी है वो, शायद 3 स्टोरी का मतलब 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ पर सामने एक बंदा देता है मेरे को पीक, जो कि नेड कर रहा था। हमने कहा ऐसे कैसे ब्रो, MK के 2 हेड और वो बंदा हो जाता है किल। अब सामने बचा हुआ है एक बंदा। अब देखो यहाँ पर मेरा मूड नहीं था कि भाई मैं हील बैटल करूँ, क्योंकि ये लास्ट जोन है, वो बंदा ऊपर है। मैंने कहा उसको मारना ही पड़ेगा कैसे भी करके, उसको बाहर पीक करवाओ, लालच दो। मैं ओपन से फिर गया। मैंने कहा नेड उठा लेते हैं, नेड मेरे पास बचे नहीं थे, तो मैंने कहा इसकी क्रेट लूटते हैं और यहाँ से नेड मिल जाएंगे तो उस बंदे को किल करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को नेड मिल गया और मोलोटॉव मिल गई, तो मैंने कहा चलो भाई अभी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं हम। अब देखो यहाँ से जब मैं वापस जा रहा था अपनी पोजिशन पर, तब ये बंदा मेरे को मार सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था। मैंने पहला नेड राइट वाली विंडो पर फेंका, दूसरा नेड लेफ्ट वाली विंडो पे, मैंने कहा कहीं तो होगा, लेकिन ये दोनों नेड मेरे बेकार चले जाते हैं। अब देखो मेरे पास बची है मोलोटॉव, मैंने यहाँ पर हेल्थ लगाई, यहाँ पर मैं मोलोटॉव करता हूँ उसके ऊपर, अब मैंने सोचा कि ये बंदा शायद कूदेगा क्योंकि उसके रूम में मोलोटॉव है, तो शायद ये बंदा कूद सकता है, लेकिन वो बंदा कूदा ही नहीं, वो वहीं पर घुसा रहा अंदर ही। मैं वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। अब ये बंदा मैं फायर करता हूँ पहले, मैंने कहा कुछ तो करो भाई, पीक पीक दो। मैंने कहा ये बात, ये लौंडे भाई अब तो तुम मरने वाले हो। और यहाँ पर एक बॉडी और एक हेड के साथ ये बंदा हो जाता है किल। तो गाइस ये था गेम प्ले, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को हैप्पी होली।
हैप्पी होली, कल छुट्टी है भाई, आराम से गेम खेलो, हैप्पी होली और होली मनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।